कल मैंने आपको थोड़ा सा अंश पढ़ाया था बाल गोविंद भगत पाठ का, आज उससे आगे का भाग देखिए। बादलों से भरा आकाश और अंधेरे में भगत का संगीत चौंका देता था। सब सो रहे होते थे और भगत का संगीत जाग रहा होता था, मतलब ये रात को भी गीत गाते थे। उनका संगीत सोए हुए को जगा देता था। उनका संगीत अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह चौंका देता था। जैसे आसमान में रात को अचानक बिजली कौंध जाती है, चमकने लग जाती है, तो एकदम से ध्यान जाता है उसकी तरफ। तो इसी तरह उनका संगीत भी था जो सबको चौंका देता था रात को। वे रात को गाते थे, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कहने का तात्पर्य यह है कि तेरा सामान चोर ले जा लेंगे, इसलिए मुसाफिर, मुसाफिर कहते यात्री को, जाग जा। तो ऐसा कोई कबीर का पद गाते थे। वो कार्तिक आते ही उनकी प्रभातियां शुरू हो जाती थी जो फाल्गुन तक चलती थी। कार्तिक का महीना होता है नवंबर का महीना, देसी महीने होते हैं ना, 12 होते हैं अंग्रेजी महीने, 12 ही होते हैं देसी महीने। तो देसी महीने का नाम है कार्तिक और फाल्गुन। फाल्गुन मतलब मार्च, जिसमें होली आती है, फागुन, फागुन कहते हैं ना होली को। तो ऐसे कार्तिक का महीने में, नवंबर के महीने में उनकी प्रभातियां शुरू हो जाती थी, मतलब प्रभाती माने जो गीत सुबह गाए जाते हैं, जो फाल्गुन तक चलती थी, मतलब मार्च के महीने तक चलती थी। तो इन दिनों सवेरे ही ना जाने कब उठकर गांव से 2 मील दूर नदी में स्नान करके लौटते और गांव से बाहर पोखर के ऊंचे भिंडे पर बैठकर, पोखर कहते हैं तालाब को, तालाब के पास कोई ऊंचा चबूतरा सा जो होता था उस पर बैठकर खंजड़ी लेकर गाने लगते थे। खंजड़ी कहते हैं जैसे ढपली होती है ना बजाने वाली, उसी तरह का, उसी आकार का एक वाद्य होता है बजाने वाला, वो खंजड़ी लेके बैठ जाते थे। एक दिन लेखक भी वहां खिंचा चला गया और उसने देखा कि दांत किटकिटाने वाली सर्दी की भोर में काली कमली ओढ़े भगत खंजड़ी लिए चटाई पर बैठे हैं। इतनी ठंड थी तो उसमें दांत किटकिटाने वाली ठंड पड़ रही थी सुबह, तो सर्दी की भोर में मतलब सर्दियों के मौसम की सुबह काली कमली ओढ़कर, काले कंबल ओढ़कर भगत जी जो है वो खंजड़ी लिए चटाई पर बैठे हुए। लेखक ने देखा कि खंजड़ी पर उनकी उंगलियां बराबर चल रही हैं, बजा रहे हैं। गाते गाते इतने मस्त हो जाते कि उनकी जो कमली थी वो सिर से नीचे खिसक जाती थी, उनका कंबल सिर से नीचे खिसक जाता था, इतने मस्त हो जाते थे खंजड़ी बजाने में। लेखक कपकपा रहा था किंतु भगत के मस्तक पर श्रम बिंदु चमक पड़ते थे। लेखक कांप रहा था ठंड की वजह से, लेकिन भगत के माथे पर पसीने की बूंदें चमकती हुई दिखाई दे रही। गर्मियों के दिनों में साय को गांव के कुछ लोग जुट जाते थे। जब गर्मियां आती थी तो शाम के समय गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो जाते थे एक जगह पे और खंजड़ियों और करताल की भरमार हो जाती थी। मतलब खंजड़ियां भी खूब सारी बजती थी और करताल कहते हैं कर माने हाथ और ताल माने आवाज। तो जब हाथ पे हाथ मारेंगे तो क्या बजती है? ताली। तो खंजड़ियों की और तालियों की खूब आवाजें आने लग जाती। भगत पद गाते थे और प्रेमी मंडली उसे दोहराती थी, जो उनके पदों को पसंद करते थे लोग, वे सब दोहराते थे उनके पदों। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता था। गाते गाते एक ऐसी स्थिति आ जाती थी, एक ऐसी हालत आ जाती थी, इतने मस्त हो जाते थे भगत की खंजड़ी लिए नाचने लग जाते थे। उनके साथ सबके तन मन नृत्य कर उठते थे और जितने भी लोग वहाँ और उनकी मंडली वाले लोग थे जो पसंद करते थे उनके पदों को, वे भी सारे खूब जोर जोर से नाच गाना शुरू कर देते। सारा आंगन नृत्य और संगीत से भर जाता था। लेखक भगत की साधना को देखकर उस दिन दंग रह गया कि उनकी किस तरह की है ये भगत। एक दिन वो इतना चकित रह गया जब भगत का इकलौता बेटा मरा, जिसे भगत बहुत मानते थे,
जिसकी बड़ी साध से शादी कराती। साध कहते हैं कामना, इच्छा, बड़ी इच्छा से उन्होंने अपने बेटे की शादी की थी, तो वही बेटा उनका मर गया। बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर सफेद कपड़े से ढक दिया। अपने ही रोपे गए पौधों से फूल तोड़कर उस पर बिखरा दिए। तुलसी दल भी बिखरा दिए, तुलसी दल माने तुलसी के पत्ते। सिराने पर एक चिराग जलाकर रख दिया, दिया एक दिया उसके सिराने पर जलाकर रख दिया और जमीन पर आसन जमाए। वही पुरानी तल्लीनता से उसी पुराने स्वर में गीत गाए जा रहे हैं। ऐसे हो गए भगत, उनके बेटे का शव पड़ा हुआ है सामने और वे उसी भाव से जैसे वे गाया करते थे कबीर के पदों को, उसी भाव से वे बिल्कुल मग्न होकर गाए जा रहे हैं। तो ये देखकर जो लेखक था वो दंग रह गया, आश्चर्यचकित हो गया कि उनके बेटे की मृत्यु हो रखी है और वे ऐसे कर रहे हैं। पतोहू रो रही है, पतोहू पुत्र वधू मतलब उनके बेटे की पत्नी खूब रो रही है और स्त्रियां उसे चुप करा रही हैं। ये दृश्य लेखक ने देखा। तो भगत कभी गाते गाते पतोहू के पास जाते हैं और उसे रोने के बदले कहते हैं उत्सव मनाओ, जलसा मनाओ, त्यौहार आया है मनाओ, उसे मना करते हैं उसको रोने के लिए। तो इस तरह के भगत ऐसा व्यवहार करते हैं जब उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है। तो यह दृश्य देखकर लेखक को बहुत आश्चर्य हुआ। इस व्यक्तित्व वाले थे भगत, जिन्हें देखकर कोई सोच नहीं सकता कि वे पारिवारिक भी थे, मतलब गृहस्थ भी था उनका, परिवार भी था उनका, लेकिन वे उनके कर्मों से सब उन्हें साधु ही समझते थे, मतलब सन्यासी ही समझा करते थे।